शिया समुदाय के पहले इमाम मौला अली की विलादत यानी जन्मदिन बड़ी धूमधाम से शिया समुदाय द्वारा मस्जिद इमामिया में मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर और टॉफी बिस्किट और पेन बांटकर हैदर अली ने सबको मौला अली की विलादत की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलाना शान हैदर साहब ने मौला अली के बारे में बताया कि मौला अली हमेशा सच का साथ देते थे और दूसरों की मदद करते थे। मौलाना नवेद ने बताया कि मौला अली जमीन से ज्यादा आसमान के बारे में जानते थे और सबसे कहते थे कि मुझसे जो चाहे पूछ लो। हैदर अली एक्टर ने मौला अली की शान में शेर भी पढ़े। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज मौला अली की विलादत है, जैसे कि अली डे मनाया जाता है, जो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इसमें क्या क्या होता है? आज हमारे पहले इमाम हजरत अली इस्लाम की विलादत यानी उनका जन्मदिन है। आज सभी को उनका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। उन्हीं की शान में जगह जगह महफिल होती है। रात में नई बस्ती की मस्जिद में महफिल हुई, अफाकना ने घर पर महफिल हुई और आज सुबह ही मैंने फजर की नमाज के बाद मस्जिद इमामिया में मौला अली की शान में महफिल कराई। महफिल के बाद मौलाना सैयद शान हैदर साहब और नवेद मौलाना से मैंने केक कटवाया और बच्चों को टॉफियाँ बिस्कुट और जिन्होंने शेर पढ़े उनको पेन आदि गिफ्ट बांटे। ये एक नेक काम है, इसमें अल्लाह के नाम पे आप जितना पैसा खर्च करते हैं तो आपको उसका डबल मिलता है। बस आपकी नियत साफ होनी चाहिए। हमारे मौला अली हमेशा दूसरों के काम आते थे, दूसरों की मदद करते थे और वो ज़मीन से ज़्यादा आसमान के बारे में जानते थे और वो कहते थे हमें कोई भी काम करने में शर्माना नहीं चाहिए। बस आज उनकी महफिल जगह जगह मनाई जा रही है और मोहम्मद नकी साहब के इमाम बाड़े महफिल होगी, ताज भाई की तरफ से नूर मंजिल महफिल होगी, गनी अजहर साहब के इमाम बाड़े महफिल होगी। मौला अली की शान में शेर अर्ज है कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, कुछ सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।